नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक डाउट दूर करने वाला हूं, टेराबॉक्स एप्लीकेशन सेफ है या फिर नहीं है। दोस्तों टेराबॉक्स एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज एप्लीकेशन है और फेसबुक पर या टेलीग्राम पर हमको कोई लिंक मिलता है, वीडियो अगर हमको देखना होता है तो भाई कहीं ना कहीं 90% जो लिंक होते हैं वो टेराबॉक्स में ही ओपन होते हैं। अगर हमको वीडियो देखना है तो टेराबॉक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में डाउट रहता है कि भाई इसको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आपके मन में डाउट रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि टेराबॉक्स जो एप्लीकेशन है उसको कैसे आप सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हो, सांप भी मर जाएगा और आप लाठी भी नहीं टूटेगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या फिर नहीं करना है, या ये सेफ है या फिर नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेराबॉक्स एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है सेफ तरीके से। कभी भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, जब आप परमिशन देते हो, परमिशन के बाद क्या होता है, जब एक्सेस देते हो तो उसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है। अब ईमेल आईडी आपको पर्सनल ईमेल आईडी कभी भी टेराबॉक्स में नहीं डालना है। आपको कौन सी ईमेल आईडी डालनी है, नए नाम से एक ईमेल आईडी बना लो, नए डेट ऑफ बर्थ से उस ईमेल आईडी को डालिए। एंड इसके अलावा आपको फिर क्या करना है, जब आप वीडियो देख लीजिए टेराबॉक्स में, एप्लीकेशन में जाओ, टेराबॉक्स में डाटा क्लियर कर दीजिए। डाटा क्लियर करने से क्या होगा कि परमिशन हट जाएगी या फिर उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए एप्लीकेशन को। जब भी वीडियो देखो तो फिर से इंस्टॉल कर लो। तो आप ये कर सकते हो, वही आपको एमबी खर्च करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेसी को सीरियस हो। और अब आपके मन में डाउट है कि भाई ये बता दो कि प्राइवेसी जो एप्लीकेशन है ये सेफ है या फिर नहीं है, हाँ या ना। देखिए टेराबॉक्स एप्लीकेशन चाइनीज़ एप्लीकेशन है, भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन को कई बार बैन किया, क्योंकि ये क्या काम करते हैं कि ये डाटा जो होता है जो आपकी वो चोरी कर देते हैं, उसके बाद मतलब अलग अलग कंपनियों को इधर बेच देते हैं, आरोप लगे हुए हैं डाटा बेचने के। तो ऐसे में टेराबॉक्स एप्लीकेशन भाई इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर पर भी ये मिल जाती है और बहुत से लोग कहते हैं भाई ये तो प्ले स्टोर पर तो सेफ होगी। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्ले स्टोर पर है तो सेफ है एप्लीकेशन। अगर आप प्राइवेसी के रूल लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी आपके फ़ोन में इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे की, तो आप इस चाइनीज़ एप्लीकेशन को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं इसको इंस्टॉल करने की। अगर आप फैमिली से फ़ोन नॉर्मल यूज़ करते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियो देखें, फोटो खींचते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो कैसे लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।